Assalamu alaikum. I am Najib Ali, student of electrical engineering, studying in third year at Kalyan University of Engineering Science and Technology, campus Larkana. Today our topic is a single phase induction motor. So he lecture a inna me asa padhanda se single phase induction motor de bare mein. Theek a? Single phase induction motor. Ane sab ka pehla ye topic ka single phase. Single phase jo matlab kya hai? सिंगल फेज मतलब होना तो ही केड़ी सप्लाई वोल्टेज ते ऑपरेट तो थे असाने मोटर ठीक है तो आइदर इनके सप्लाई जका दिनी आसा वा थ्री फेज दिनी आ या वा सप्लाई असा छा दिनी आ सिंगल फेज दिनी आ इन ब्याप ते जको सो इंडक्शन मोटर्स जा टाइप्स असा चई सकोना त एकरा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होना न ब्या थ्री फेज इंडक्शन मोटर होना है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर अज असा पढ़ना से त सिंगल फेज इंडक्शन मोटर छा है ठीक है सिंगल फेज बुधा तो ही ऑपरेटिंग सप्लाई वोल्टेज के हिसाब से सिंगल फेज मतलब सिंगल फेज सप्लाई दूँ उन बी पॉइंट इंडक्शन मोटर इंडक्शन जो मतलब इंडक्शन मोटर इनके चुन तो हिंदा सो ई एम एफ इंड्यूस ठीक है जैमल स्टेटर में अस करंट डींदे उनमें सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस थी वह मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट कहती कें रोटर के रोटर में वही करंट इंड्यूस तो इंड्यूस थियण जो मतलब उनके करके चाहे इंडक्शन मोटर चाहे तो सो करंट असो इंड्यूस तो थे कड़े ला से फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ठीक है हाँ असा तक बुधा तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इनके असा चूँ सिंगल फेज छोता चूँ इंडक्शन मोटर छोता चूँ जो ये अस लेक्चर आ उनमें अस कुछ ही टॉपिक्स कवर कहते ठीक है सब का पे इंट्रोडक्शन बुधाई तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में ओवरव्यू उनका कंस्ट्रक्शन बयान कहते कंस्ट्रक्शन का वर्किंग प्रिंसिपल तो ही कड़े प्रिंसिपल से वर्क करे तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर उनका डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी तक ग्राफिकली इतने बोर्ड से समझाइंदुम और उनका एनिमेशन वीडियो में क्लियर कदम तो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी शो आनमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कड़ी इंपॉर्टेंस लास्ट में अस पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ठीक है हाँ ऐसो इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन से अस पे तो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज अ सिंगल फेज टाइप हाँ ऐसो असि रेगुलर लाइफ में जो भी अस मोटर्स ऐसा आम लाइफ में अस यूज था क्यों कड़ा लेट सपोज वॉशिंग मशीन थी वही वॉशिंग मशीन में मोटर यूज थे मोस्ट कॉमन टाइप जो वो मोटर आके तकरीबन होम एप्लायंसेस मोटर से ऑपरेट कन थी इलेक्ट्रिक मोटर से उसे मोटर असा तकरीबन जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है जी अस वॉशिंग मशीन थी वही उनमें जो मोटर यूज थे वो शायद सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आ उनका एयर कंडीशनर्स थी उनमें मोटर जो यूज थे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आ उनका फैंस असाया थी फैंस में जो मोटर यूज थे वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हों उनका वाटर पंप हूँ जो उनमें मोटर यूज थे हूँ वो भी मोटर असा हों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हों मतलब डेली लाइफ में जो भी अस मोटर्स ऐसों या जी अस यूज क्यों एप्लायंसेस में वे तकरीबन असा जो मोटर है वे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर अज अस इन लेक्चर में डिटेल में पढ़ना से तो इन कंस्ट्रक्शन कि वर्क कन कड़ी उन्होंने एप्लीकेशंस द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स इज अ सिंगल फेज टाइप ठीक है उनका इट फाइंड्स वाइड रेंज ऑफ डोमेस्टिक कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इन मतलब सागो ही जी तक बुधा तो इन एप्लीकेशंस तमाम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो तोड़े वो कमर्शियली होजन डोमेस्टिक होजन या इंडस्ट्रियल होजन तो इनके वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन उनका सिंगल फेज मोटर्स आर मोस्टली स्मॉल इन साइज ऑफ फ्रैक्शनल किलोवाट रेटिंग्स हाँ ऐसो फ्रैक्शनल किलोवाट रेटिंग्स इन पॉइंट मतलब यो आके असाजा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ना उनकी रेटिंग जो होंगी स्मॉल रेटिंग में हूँ ठीक है जी असो यूज कर सकूँ डेली लाइफ में तो इन फ्रैक्शनल किलोवाट मतलब हूँ रेटिंग स्मॉल होंगी स्मॉल रेटिंग होंगी पर जी अस थ्री फेज मोटर्स हूँ इंडक्शन मोटर उनकी रेटिंग तमाम हाई होंगी है लोड से वर्क कहना हाँ चलो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज स्ट्रक्चरली सेम टू थ्री फेज इंडक्शन मोटर हाँ थ्री फेज इंडक्शन मोटर तुम पढ़ो तो वो क्या होंगे स्ट्रक्चर बिन्हीं जो सेम ही सिंगल फेज ए थ्री फेज जो स्ट्रक्चर बिन्हीं जो सेम आ उनमें भी स्टेटर आ उनमें भी स्टेटर आ उनमें भी रोटर आ उनमें भी रोटर आ पर थोड़ा डिफरेंस आ वो कड़ो डिफरेंस आ
हाणे ॾिसो द डिफरेंस इज ओनली इन द स्टेटर वाइंडिंग्स अरेंजमेंट। स्टेटर जी जेका वाइंडिंग हूंदी आहे न उनजी अरेंजमेंट में डिफरेंस हूंदो आहे। उहो डिफरेंस असां कीअं कंदा आहियूं, छो कंदा आहियूं, उहो असां अॻिते लेक्चर में पढ़ंदासीं त वाक़ई इहो डिफरेंस आहे। जेकॾहिं इहो डिफरेंस न कयो आहे त इधर इहो वर्क करे या न करे। उन खां पोइ द स्टेटर वाइंडिंग्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रोड्यूस साइनोसॉइडल MMF इन स्पेस। हिन पॉइंट जो मतिलबु इहो आहे त जॾहिं बि असांजो सिंगल फेज सप्लाई ॾींदासीं न हिन मोटर खे, त हिन में जेको आहे सो MF मैग्नेटो मोटिव फोर्स मतिलबु जेको इलेक्ट्रो जेको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस थींदी न उहा पहिरीं जेका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हूंदी न नॉर्मली जीअं थ्री फेज जो वाइंडिंग हूंदी आहे, थ्री फेज जी जीअं वाइंडिंग हूंदी आहे, जेकॾहिं उनखे असां सिंगल फेज सप्लाई ॾींदासीं त जेका असांजी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस थींदी न उहा रोटेटिंग न हूंदी, साइनोसॉइडल न हूंदी। साइनोसॉइडल जो मतिलबु कीअं हूंदो आहे त ज़ीरो खां मैक्ज़िमम वरी ज़ीरो वरी नेगेटिव, त उहा ईअं सिंगल फेज जी न हूंदी आहे पहिरियां। पोइ असां उनजी जेका स्टेटर जी वाइंडिंग आहे न उनजी अरेंजमेंट असां अहिड़ी रखंदा आहियूं, जीअं मां तव्हांखे थोरो ॿुधाए छॾियां त उनमें असां ॿिनि क़िस्मनि जूं वाइंडिंग्स यूज़ कंदा आहियूं ऐं उहे वाइंडिंग्स ॿई हिक ॿिए जे छा हूंदियूं आहिनि, परपेंडिकुलर हूंदियूं आहिनि। त जीअं असांजी जेका मैग्नेटिक फील्ड नेट प्रोड्यूस थिए उहा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस थिए। पहिरियां हिन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस न थींदी आहे। इहो तव्हां सम्झंदव अॻिते हली जेको आहे डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी में, त छाजे करे हिन में पहिरियां रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस न थींदी आहे ऐं अरेंजमेंट करण खां पोइ वरी उहा जेको आहे असांजो साइनोसॉइडल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस थींदी आहे। त उहो क्लियरली तव्हां सम्झंदव डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी मां। त असांजी टॉपिक हुई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। पहिरियां असां इंट्रोडक्शन पढ़ियोसीं जंहिंमें मां तव्हांखे ॿुधायो त इंट्रोडक्शन में उन जो थोरो डिफरेंस हूंदो आहे सिंगल फेज में थ्री फेज में किथे किथे उन जी एप्लीकेशन हूंदी आहे। हाणे असां पढ़ंदासीं कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। कंस्ट्रक्शन में देर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जा मेन सिर्फ़ ॿ पार्ट ई हूंदा आहिनि कंस्ट्रक्शन जे हिसाब सां। उहे कहिड़ा कहिड़ा हूंदा आहिनि, हिकिड़ो आहे स्टेटर, ॿियो आहे छा असांजो रोटर। स्टेटर ऐं रोटर जो मतिलबु उहो आहे त स्टेटर उहो हूंदो आहे जेको फिक्स्ड पार्ट हूंदो आहे, ठीकु आहे, ऐं रोटर उहो हूंदो आहे जेको पार्ट रोटेट कंदो आहे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो। हाणे कुझु असां पढ़ंदासीं स्टेटर जे बारे में त स्टेटर आहे छा, ठीकु आहे। स्टेटर द स्टेटर इज़ द फिक्स्ड पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। ही जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो त हीउ फिक्स्ड पार्ट हूंदो आहे, ठीकु आहे। विच इज कंसिस्ट ऑफ पोल्स केरिंग अ सप्लाई करंट टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड दैट पेनिट्रेट्स द रोटर। हाणे हिन पहिरां जो मतिलबु इहो आहे त ही हिन में पोल्स ठहियल हूंदा आहिनि, ठीकु आहे, पोल्स ठहियल हूंदा आहिनि। हिननि पोल्स जो कमु छा हूंदो आहे, इन्हनि में करंट प्रोड्यूस थींदो आहे ऐं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस थींदी आहे। जीअं असां हुनखे सप्लाई ॾींदा आहियूं न इलेक्ट्रिक करंट ॾींदा आहियूं त हिन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस थींदी आहे। उहा मैग्नेटिक फील्ड छा कंदी आहे, हिन में जेको रोटर पयल हूंदो आहे उन रोटर खे पेनिट्रेट कंदी आहे, मतिलबु क्रॉस कंदी आहे, ठीकु आहे। स्टेटर जे बारे में ही पोल्स फिक्स पार्ट आहे ऐं हिन पोल्स जो ठहियलु हूंदो आहे ऐं पोल्स जो कमु छा हूंदो आहे, पोल्स असांजा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कंदा आहिनि। उहा मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट कंदी आहे छा खे, रोटर खे। अॻिते चओ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स स्टेटर हैज़ अ लेमिनेटेड आयरन कोर विथ टू वाइंडिंग्स, ठीकु आहे। मतिलबु हिन में स्टेटर में बि हिकिड़ो कोर हूंदो आहे, उहो लेमिनेटेड आयरन कोर हूंदो आहे। लेमिनेटेड छो हूंदो आहे त जीअं जेके असां एडी करंट लॉसिस आहिनि उहे असां रिड्यूस करे सघूं ऐं आयरन कोर विथ टू वाइंडिंग्स अरेंज परपेंडिकुलरली टू ईच अदर। मीन्स त हिन में जेको आहे सो ॿ वाइंडिंग्स हूंदियूं आहिनि, हिकिड़ी मेन वाइंडिंग हूंदी आहे, ॿी ऑक्सिलरी वाइंडिंग हूंदी आहे। उहे ॿई वाइंडिंग छा हूंदियूं आहिनि, परपेंडिकुलर हूंदियूं आहिनि इच अदर। परपेंडिकुलर जो मतिलबु कीअं, त हिकिड़ी वाइंडिंग जेकॾहिं असांजी हीअं आहे, ठीकु आहे, मेन वाइंडिंग आहे, त वरी जेका ॿी ऑक्सिलरी वाइंडिंग हूंदी उहा असांजी हीअं हूंदी, ठीकु। ॿिनि क़िस्मनि जी वाइंडिंग हूंदी आहे, जीअं मां तव्हांखे पहिरियां ॿुधायो त सिंगल फेज ऐं थ्री फेज में फ़र्क़ु इहो ई आहे त हिननि जी जेका स्टेटर वाइंडिंग हूंदी आहे उन में डिफरेंस हूंदो आहे। उहो डिफरेंस कीअं हूंदो आहे त हिन में ॿिनि क़िस्मनि जी वाइंडिंग हूंदी आहे सिंगल फेज में, ऐं जेको थ्री फेज आहे उनमें हिकु ई क़िस्म जी वाइंडिंग हूंदी आहे। ॿिनि क़िस्मनि जी वाइंडिंग कहिड़ी हूंदी आहे, हिकिड़ी मेन वाइंडिंग जेका हर टाइम हुनखे सप्लाई ॾियण लाइ हूंदी आहे, ॿी हूंदी आहे अदर इज ऑक्सिलरी आर स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग जो मतिलबु इहो आहे त हिनखे असां स्टार्टिंग में इनखे वोल्टेज मिलंदी आहे, करंट मिलंदो आहे, पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच जे ज़रिए जेॾीमहिल हू पंहिंजो स्पीड ते रेटेड स्पीड ते पुॼंदो आहे मोटर, त उहा छा थी वेंदी आहे, डिस्कनेक्टेड थी वेंदी आहे ऐं पोइ जेको असांजी सप्लाई हूंदी आहे सिर्फ़ु मेन वाइंडिंग में हूंदी आहे। स्टेटर इहो हुयो। अचो त हाणे कुझु असां पढ़ूं रोटर जे बारे में। रोटर छा आहे, द रोटर इज़ द रोटेटिंग कंपोनेंट ऑफ द मोटर। जीअं मां तव्हांखे पहिरियां ॿुधायो त मेन ॿ पार्टी हूंदा आहिनि, हिकु स्टेटर हूंदो आहे ॿियो रोटर हूंदो आहे। स्टेटर छाजे करे त उहो फिक्स्ड हूंदो आहे, रोटर छाजे करे त हीउ रोटेट कंदो आहे।
रोटर इज द असिस्टेंस ऑफ अ शाफ्ट इन इज कनेक्टेड टू द मैकेनिकल लोड, मतलब रोटर शायद इन शाफ्ट के जरिए के लोड से कनेक्टेड होता है, ठीक है। द रोटर हैज अ लेमिनेटेड आयरन कोर दैट आर स्क्यूड, स्क्यूड मतलब होता है जेके इन में स्लॉट्स होंदी ना वे थोड़ी मुड़ियल होंदी, मतलब परपेंडिकुलर ना होंदी, थोड़ी मुड़ियल होंदी, ठीक। ए लेमिनेटेड आयरन कोर जिया त असा पढ़िया से ही वर्क शादे कंदो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ते, जिया हन में जेको आ सो हन मा मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कंदी आ त हन में करंट प्रोड्यूस थिनो, वो करंट जे जरिए वरी इन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस थिया, तो उन मैग्नेटिक फील्ड जे करे जेके एडी करंट लॉसेस थिना उन के रिड्यूस करण लाय असा जो रोटर भी लेमिनेटेड होंदो आ, ठीक। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रोटर फॉर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज द स्क्वायरल केज, इन का पहला माता है बुधाइन वाला तो रोटर जा भी टाइप होना है केड़ा केड़ा, एकड़ो वाउंड टाइप रोटर होता बे स्क्वायरल केज होता, वाउंड टाइप जो मतलब यो होता सॉरी वाउंड टाइप जो मतलब यो होता तो उनमें वाइंडिंग यूज चल होती है, स्टेटर में वाइंडिंग होती है तो रोटर में वाइंडिंग होती है तो वो वाउंड टाइप होता, ए जो स्क्वायरल केज होता स्क्वायरल केज मतलब उन्हें जो शेप होता वो केज वांगर होता ए उनमें स्लॉट्स होंदियन, ठीक है, एल्यूमिनियम जो स्लॉट्स होंदियन कंडक्टर जो उनमें वाइंडिंग ना होती है। तो जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उन्होंने जो कॉमन टाइप यूज क्या रोटर वो रोटर कड़ो हों स्क्वायरल केज रोटर हों, द रोटर कंप्राइज अ सिलेंड्रिकल लेमिनेटेड आयरन कोर विथ एक्सिलरी प्लेस्ड पैरेलल स्लॉट्स फॉर कैरिंग द कंडक्टर, जो मैं बुधा तो इन शाफ्ट से पैरेलल होंदन स्लॉट्स होंदन जो एल्यूमिनियम जो उन्दन थोड़ी मुड़ियल होंदन तो जी अस रोटेटिंग रोटेशन में अस इजीली इनके रोटेट कर सकूँ, ठीक है। हि अस कंस्ट्रक्शन पढ़ी से उन अस पढ़ासी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में अस इंट्रोडक्शन पढ़िया से इंट्रोडक्शन का कंस्ट्रक्शन पढ़ी से हाँ अस पढ़ा वर्किंग प्रिंसिपल तो कड़े प्रिंसिपल से ये अस वर्क कहते इंट्रोडक्शन में ही बुधा तो जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सागो ही है कड़ो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वेन द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज फेड विथ द सिंगल फेज सप्लाई, जैसे भी अस स्टेटर में वाइंडिंग के सप्लाई दींदा सिंगल फेज सप्लाई शा थींदो इट प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग फ्लक्स इन द स्टेटर वाइंडिंग, सप्लाई देने से शा थींदो स्टेटर वाइंडिंग में अल्टरनेटिंग चेंजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस थींदो, जिए ही चेंजिंग करंट हों तो एसी करंट हों उ असानी शा थींदी अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस थींदी, वह फ्लक्स प्रोड्यूस थींदी तो शा थींदो द अल्टरनेटिंग फ्लक्स फ्लोइंग थ्रू द स्टेटर वाइंडिंग causes induced current in the rotor bars of the squirrel cage, ma ta ke badaya je ke asan ja single phase induction motor hai unhan mein takriban asan je ko rotor use chal hunda wo kedo hunda squirrel cage rotor hunda, hane je kada diso je asan stator ke supply dini jae supply den ma cha je unhan mein changing flux produce thindi ai changing flux je produce thinda wa sha kandi rotor ke penetrate kandi, जैसे भी फ्लक्स के कंडक्टर में रोटर में शायद असो कंडक्टर यूज थे एल्यूमिनियम बार्स यूज थे तो जैसे भी उन फ्लक्स क्रॉस कंदी तो उते शा थींदो करंट इंड्यूस थींदो रोटर में करंट इंड्यूस थींदो, हाँ अगते अचो अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मुताबिक शा थींदो दिस इंड्यूस्ड करंट इन द रोटर विल आल्सो प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग फ्लक्स, हाँ जी अस सप्लाई दिनी से तो सप्लाई करंट स्टेटर में चेंजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस कई, जैसे वो चेंजिंग फ्लक्स रोटर के क्रॉस किया रोटर के क्रॉस कई तो उनमें शा थींदो करंट इंड्यूस थींदो, जैसे ही रोटर में करंट इंड्यूस थींदो तो उते वरी असो फैराडेज लॉ के मुताबिक शा थींदो वरी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस थींदी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस थींदी, पो शा थींदो तो मतलब एकड़ी स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड थी वेंदी रोटेटिंग बी जो सो रोटर में मैग्नेटिक फील्ड ब फील्ड अस सेटअप थी वेंदी, चे तो इवन बोथ अल्टरनेटिंग फ्लक्स आर सेटअप द फेल्स टू स्टार्ट, हाँ दिसो जैसे स्टेटर वाली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस थी वही रोटर वाली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस थी वही तो बस असो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आ स्टार्ट नो छो नो दिसो हाउएवर इफ अ रोटर इज गिवन इनिशियल स्टार्ट बाय एक्सटर्नल फोर्स इन आइदर डायरेक्शन द मोटर अकॉर्डिंग टू मोटर एक्सिलरेट्स टू इट्स फाइनल स्पीड एंड कीप्स रनिंग विथ इट्स रेटेड स्पीड, हाँ जैसे असो पे बी फील्ड सेटअप थी रोटर असो रोटेट न कह
पो असा उनके इनिशियल टार्क दिना दे जे उनके हाथ सा टार्क देई करे असा उन रेटेड स्पीड ते पुजाइंदा से पो हु सा कंदो पान रोटेट करण शुरू कंदो पर इनिशियल टार्क के स्टार्ट शो न तो दे दिस बिहेवियर ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी इनका पो असा पढ़ना से डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी इन्हें मतलब चाहे तो जड़े भी ऐसा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के पहला सप्लाई दिना से बकील दे प्रोड सेटअप थी भी नहीं रोटर वाली मैग्नेटिक फील्ड होंगी स्टेटर वाली भी होंगी पर उन इवन तने भी जब पास होता है रोटर रोटेट नक्कल दो जिस तरह साउना के इनिशियल टार्क न दिना से तो रोटेट नक्कल दो इनिशियल टार्क दे ये साउना के रेटेड स्पीड तक पहुंचाइंदा से तो वो रोटेट कर दो यो रोटेट इनिशियली शो तो करे यो असा पढ़ा से डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी में अड़ी कड़ी फिनोमिना है चक्कर जैसे कर इनिशियली ही पान सेल्फ स्टार्ट नो थे उनके अस इनिशियल टार्क दूँ था जो तक बुधा तो इनमें बैंडिंग होंगे एक मेन वाइंडिंग होंगी बी ऑक्सिलरी वाइंडिंग होंगी ऑक्सिलरी बाइंडिंग होंगी ना स्टार्टिंग बाइंडिंग यूज कर इनिशियल टार्क के लिए बाकी मेन वाइंडिंग रेटेड स्पीड का वर्क कहती रही सो हाँ अस पढ़ा डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी छाजे करे सेल्फ स्टार्टेड शो ना है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जी तो असा वर्किंग प्रिंसिपल में पढ़ी तो वर्किंग प्रिंसिपल जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर मैं तक फिनोमिना बुधाई तो इनिशियल स्टार्ट ही पा ना उनके अस स्टार्ट कह ठीक है उनके कें एक्सटर्नल फोर्स दई कर अस उनके रोटेट कराइंदा से वही पानी रेटेड स्पीड से पुजी कर पान मुराद रोटेट कर तो यो इनिशियल स्टार्ट छाजे करे ना मां ताके बुधाय तो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के करे उनके इनिशियल स्टार्ट ना है इन मतलब छा है हाँ दिसो जेकने ही असो एकड़ो कंडक्टर आ ठीक है ही असो एकड़ो कंडक्टर आ इन मां अस करंट पास ता करें स्टेटर में जी अस करंट पास कराइंदे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बी इतने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करंट सेम आ पर करंट डायरेक्शन हेडे करंट डायरेक्शन हेडे तो राइट हैंड थंब रूल के जरिए फ्लक्स जे बई उ फ्लक्स मैग्नीट्यूड में सेम हूँ पर उनको डायरेक्शन हों ऑपोजिट हों ऑपोजिट हों हाँ ऐसो जी ही फाइव वन फ्लक्स उनकी वेव फॉर्म ठाई है तो जो फाइ टू हों वो उनके अपोजिट में होंगे हि जनरल जीरो थे तो हि भी जीरो थे हे मैक्सिमम पॉजिटिव थे हि मैक्सिमम नेगेटिव थे हि मैक्सिमम पॉजिटिव थे हि मैक्सिमम नेगेटिव थे तो एक बे जी हूँ अपोजिट हूँ तो इन रिजल्टेंट बीहे ठीक है एक ही स्टेटर में ब वेक्टर फाइ वन भी आ फाइ टू भी आ तो इन रिजल्टेंट बीहे जैसे असं इतने पॉइंट्स खड़ू ठीक ये ऐसो एक पॉइंट अस ये खड़ो ये पॉइंट था खड़ो लेट्स सपोज हाँ चार पॉइंट्स था खड़ो चार पॉइंट्स अस खी आया तो हि जो असो इन टाइम से असो फलक्स पॉइंट ही ना खड़ो पॉइंट अस खड़ो वो इन जगह से ठीक है इतने पॉइंट था खड़ो बी पॉइंट अस खड़ो वो इतने छोजो मैक्सिमम पॉजिटिव नेगेटिव से असो रिजल्टेंट जीरो थो हाँ जैसे इन पॉइंट के असं दिसूँ था तो जो फाइव वन आ किथे आ जीरो का थोड़ा मथे आ पर घना डिग्री थे पॉजिटिव में घो डिग्री लेट सपोज अस इनके चुं थर्टी डिग्री पॉजिटिव में फाइव वन किथे आ थर्टी डिग्री थे ठीक है तो हि फाइव टू वरी शायद नेगेटिव में थर्टी डिग्री थे ठीक तो इन रिजल्टेंट बीह ये थर्टी डिग्री थे इन्हें मतलब डायरेक्शन इनकी अपोजिट आ फाइव वन इतने बीठो आ फाइव टू असो इतने बीठो तो इन रिजल्टेंट किथे बीह अपवर्ड बीह ठीक पर जैसे बी कंडीशन इतने अचूँ तो फाइव वन असो थी वे नेगेटिव थी तो वे इतने थर्टी डिग्री से अचे तो वे वरी जैसे हि असंदे फाइव टू तो फाइव टू असो किथे तो अची वे इतने थर्टी डिग्री से अची तो वे ठीक है इन डायरेक्शन चाहे अपोजिट आ तो इन रिजल्टेंट वे कहे बीह हिं बीह तो हाँ जी जी स्टार्ट असो मैग्नेटिक फ्लक्स तो जीरो से सेम जीरो ही हों जी मैक्सिमम के तरफ वो तो मैक्सिमम पॉजिटिव हलो वो वरी इतने अची जीरो वो ठीक पे जीरो आ वही मैक्सिमम पॉजिटिव आ वरी मैक्सिमम नेगेटिव थो वही जीरो थो तो हिंदी फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस मतलब रोटेटिंग न होंगी जैसे हि असि कंडीशन होंगी डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के मुताबिक
फलक हूं एक बे के अपोजिट हूं मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फील्ड होंगी रोटेटिंग न होंगी केदी मल पॉजिटिव होंगी या तो सीधो नेगेटिव होंगी या तो पॉजिटिव होंगी या तो नेगेटिव होंगी या तो जीरो होंगी तो रोटेशन इन फील्ड में नी इन कर जो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर आने बिन किस्म जो वाइंडिंग्स कई पे ये सेम एक ही वाइंडिंग हुई तो पे असो इनिशियली रोटेशन सेल्फ रोटेशन न पी थे तो हाँ अस केतरो सो मैकेनिकली रोटेट कराइंदे उन मसले के हल कर में थोड़ो डिफरेंस आंदोसे सिंगल फेज ए थ्री फेज में वो कड़ो डिफरेंस होता है वाइंडिंग अस बिन किस्म खयोसे कड़ी वाइंडिंग खयोसे पे बुधाई असरी वाइंडिंग होंगी ऑक्सिलरी वाइंडिंग होंगी जहां इनिशियल स्टार्ट दिये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बी असि कड़ी होंगी मेन वाइंडिंग होंगी ठीक वाइंडिंग्स ऑक्सिलरी बी मेन वाइंडिंग डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी में पढ़िया जी वाइंडिंग तो थे बई वेक्टर एक बे के अपोजिट थी था फ्लक्स फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस थे थी या तो साउथ पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्थ पोल मतलब वह रोटेट नी थे रोटेट नी थे तो यो तो पॉसिबल ही ना असने में मैग्नेटिक फील्ड रोटर में प्रोड्यू करंट प्रोड्यूस थे वो नी तो उत मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नी तो रोटेशन नी ठीक हाँ अस चेंजिंग कई से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में उनमें अस बिन किस्म वाइंडिंग खेसे बई वाइंडिंग एक बे के परपेंडिकुलर ठीक है बई वाइंडिंग एक बे के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ऐसो तो लेट सपोज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस थी थे वह फाइव वन थी थे इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस थी थे फाइव वन ये थी थे तो फाइव टू ठीक है फाइव वन मैग्नेटिक फील्ड फाइव टू था चो तो ये बई मैग्नेटिक फील्ड एक बे के परपेंडिकुलर हो फाइव वन आइव टू हाँ मैं तुम्हें बुधा तो बिन किस्म की वाइंडिंग होंगी एकड़ी ऑक्सिलरी होंगी बी मेन होंगी ऑक्सिलरी होंगी इनिशियल स्टार्ट दई कर वो डिस्कनेक्टेड थी वी सेंट्रीफ्यूगल स्विच के जरिए मेन वाइंडिंग वरी वर्क कहती रही है हाँ इन में अस अड़ो कड़ी चेंजिंग क्यों वाइंडिंग से परपेंडिकुलर रखे असोस में करंट में करंट में इतने भी करंट आए ठीक है इतने भी करंट आए आए तो इनके असोसें कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट कर जो अस पढ़ी तो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट करो करंट लीड कह बाय 90 डिग्री जी मतलब करंट लीड कह 90 डिग्री तो फ्लक्स ऑटोमेटिक लीड कह ठीक है हाँ ऐसो फाइव वन तो करे लीड तो करे 90 डिग्री के फाइव टू का ठीक पे ये तो जीरो ते पुजे ये तो जीरो ते पे कैपेसिटर हण से इन्हन में फेज डिफरेंस पैदा थियो इन करंट में इन करंट में जैसे करंट में फेज डिफरेंस 90 डिग्री पैदा थियो तो फ्लक्स में ऑटोमेटिक फेज डिफरेंस 90 डिग्री थियो इतने ऐसो फेज डिफरेंस ना ये इतने जीरो ते आते इतने 90 ते आते बई 90 ते ये जीरो ते आते बई जीरो ते ठीक है मतलब अपोजिट है पॉजिटिव हल तो नेगेटिव इतने वाली शायद फेज डिफरेंस 90 डिग्री जो है जीरो ते आ मैक्सिमम पॉजिटिव जना इने फ्लक्स 5 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
हैं जो सा रिजल्टेंट दिशा तो फाइव हिते शायद फाइव टू शायद जीरो आ ठीक फाइव टू जीरो थे और फाइव वन शायद मैक्सिमम थे इन अ पार्ट वही लेकिन ऐसा था हिते तो फाइव वन शायद जीरो आ और फाइव टू शायद मैक्सिमम आ रहा रिजल्टेंट के लिए ना ये भी ना ठीक मतलब पहले साल रिजल्टेंट कितने थे कितने थे वे रिजल्टेंट ऐसा कितने थे कितने थे वही लेकिन मैक्सिमम
मैक्सिमम नेगेटिव है, बट देखने में तो 3 पॉइंट नाला है, तो जो 3 पॉइंट है वही शायद, तो 5 टू शायद नेगेटिव मैक्सिमम थे आप, तो 5 टू के लिए हिंदू वाले नेगेटिव ने अपने थे इन्हें सारे थे तीनों, ठीक, तो ये सारे वही 5 वन छाते हो 0 थी, तो ऐसे तरीके से हम छाते में हिंदी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की थी, ठीक है। तो इन जगह ऐसा है ना बिल किस्म की वैल्यू यूज किया जी हम पे इनिशियल टॉर्क छाते का प्रोड्यूस न कर दे तो जो पा जो असली फ्लक्चुएशन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की दे हां ऐसा बिल किस्म की वैल्यू की से एक वाइंडिंग में ऐसा कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट से उन कैपेसिटर कनेक्ट करना चाहते हो फेज डिफरेंस थियो 90 डिग्री हो जैसे करंट में फेज डिफरेंस थियो तो मैग्नेटिक फील्ड में ऑटोमेटिक फेज डिफरेंस थियो आई को ही के बाद मैग्नेटिक फील्ड ये परपेंडिकुलर है तब ऐसा 90 डिग्री है ठीक है 90 डिग्री है और है जो सन 4 पॉइंट्स के से तहिन पॉइंट्स के जरिए देखो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं देती वो अकेली मैग्नेटिक फील्ड देती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की थी जे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली प्रोड्यूस की थी ठीक है दसा स्टेटर रोटर चाहता है रोटेट करना शुरू करो ये रोटेट करना शुरू कर दो तो वो जेडी मतलब मतलब पानी रेटे स्पीड दे कुछ जन दो तो ही के को बाइंडिंग का एक्सिलरी बाइंडिंग इन्हें मैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्टेड होगा वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच शाखा का हली हली जब मैं रेटे स्पीड दे कुछ जन दो तो ही बाइंडिंग से डिस्कनेक्ट थी नहीं वो सिर्फ इन्हें मेन बाइंडिंग के रोटर रोटेट कर दो पे चलो अंदर भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी रोटेटिंग थी नहीं एक्सटर्नल की मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग थी जब मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग है हिट की जगह से रोटेट करने लोग एक बे के यहां पर तक का में याद रखता सकता है कि भी ऐसा रोटेशन है पाई होना सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में असा इंट्रोडक्शन पढ़ी से इंट्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन पढ़ी से कंस्ट्रक्शन का वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ी से वर्किंग प्रिंसिपल का डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के थोड़ा डिस्कस कर से लास्ट में असा पढ़ना से एप्लीकेशंस ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जे मा ताके इंट्रोडक्शन में बुधाया तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जेको इंडक्शन मोटर यूज थिना वो सिंगल टाइप होना कॉमन छ जे करे त जेका असा जी आम लाइफ आ उन में जेके भी असा मशीनरी इस्तेमाल करना हो ना तकरीबन उन में जेको आ सो असा जा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इस्तेमाल चलोना जी एप्लीकेशंस में जनरली फैंस जेके सीलिंग फैंस होना है या बया जेके फैंस असा घर में यूज करा उन में जेको मोटर यूज चलो हुंदा त उन में छा हुंदा फैन हुंदा जे में भी असा जो कैपेसिटर लगन हुंदा ता खबर हुंदी त जेके सीलिंग फैंस हुंदा न बया जेके फैंस हुंदा उन जो कैपेसिटर वर्क कर छडे विना त वो छा थिना इनिशियली स्टार्ट न थिना पर उन के असा हथ सा रोटेट कना इनिशियली त ई असा जे में भी कैपेसिटर यूज थिना फैंस हो असा केड़ा हुंदा न सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हुंदा उन में जेके मोटर यूज चलंदा उन का पो एयर ड्रायर्स में वॉशिंग मशीन भी असा जो जेको सो डेली लाइफ जो एप्लायंसेस आ उन में असा जो मोटर जेको यूज थे हुआ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हूँ वैक्यूम क्लीनर्स में मिक्सर्स में मिक्सर्स जेके असा जा उन में कंपनीज वगैरह में फैक्ट्रीज में यूज थे हुआ ना उन में जेको मोटर यूज थी वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हूँ रिफ्रिजरेटर्स में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हूँ एयर कंडीशनिंग फैंस में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हूँ ब्लोअर्स में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हूँ ठीक है अड़े तरीके से जो सो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हाँ उन जो बुधा तो ये असो पार्ट वन खत्म थे वो उन सो थ्योरेटिकली अस पढ़ी आया तो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी क्या होंगी हाँ जो पार्ट टू मुझे लेक्चर जो होंगे उन में तक एनिमेशन वीडियो के जरिए देखारींदम तो सो जो भी अस थ्योरी पढ़ी से तो वह एनिमेशन वीडियो में तक दिखारींद यो रियली में वर्क मतलब थे कि कॉन्सेप्ट क्लियर थी ठीक है उन पार्ट टू से इंशाल्लाह एनिमेशन वीडियो से डिस्कस कर।